नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टी से कन्वेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आज क्लास 4 की साइंस में लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर है ए बी सी डी ई एफ लिखवा चुके हैं। आज मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में लिखवा रहा हूँ, जो जी नंबर है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द क्लोथ्स। शुरू शुरू में लोग कपड़े कैसा पहनते थे, इसके बाद कैसा पहनने लगे, उसके बारे में लिखना है, डिस्क्राइब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं सिर्फ आंसर देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक से लिख लेंगे, बुक से लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द क्लोथिंग। द फर्स्ट क्लोथ्स वेयर मेड फ्रॉम नेचुरल। सबसे पहले प्राथमिक फर्स्ट आंसर, लोग प्राकृतिक से वस्तुओं को लिए पहनने के लिए एलिमेंट्स एनिमल स्किन जानवरों के त्वचा को फर को ग्रास लीव्स इत्यादि लिए। स्लोली धीरे धीरे पीपल अरेंज दैट द फाइबर्स, धीरे धीरे लोगों ने फाइबर्स का उपयोग किया, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवरों के द्वारा इसे प्राप्त करने लगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ वी गेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम दी कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट पौधे से हम किस प्रकार से कॉटन को प्राप्त करते हैं। आफ्टर मेजरिंग दी कॉटन बॉल, ब्रस्ट ओपन टू प्रोड्यूस कॉटन से कवर्ड विथ वाइट सॉफ्ट कॉटन फाइबर्स, दी रॉ फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड। कच्चे जो कॉटन होते हैं उसमें से हम उसके बीज को निकाल के बाहर कर लेते हैं। द रॉ फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाई ए प्रोसेस नो एज गिनिंग। इस प्रक्रिया को हम गिनिंग प्रक्रिया कहते हैं, और इस प्रकार से उसे धागे तैयार किए जाते हैं, और धागे के द्वारा हम कपड़े बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट फाइबर्स। जूट जो होता है वो किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है, इट इज दी ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द जूट प्लांट। ये जो बार्क ऑफ द जूट प्लांट जो उसके छाल होते हैं, उस पौधे के छाल से ही दी हार्वेस्टेड प्लांट्स, इस पौधे को काटने के बाद आर इवन से इन वाटर, पूरे आंशिक रूप से हम पानी में डुबा देते हैं एक फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। ड्यूरिंग दिस सिंक इज द गमी सब्सटेंस होल्डिंग द जूट फाइबर्स टू द स्टीम रूप्स, और उसकी के द्वारा हम इस प्राप्त करते हैं, जिसे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। इस प्रक्रिया को हम रेटिंग की प्रक्रिया कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंथेटिक फाइबर्स। तो मैं एडवांटेज के बारे में लिखाऊं, पहले अलग अलग में लिखाऊं। फर्स्ट में है, दे आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स। यह जो होता है नेचुरल फाइबर से मजबूत होता है। दे आर इजी टू वॉश एंड मेंटेन, इसे पूरा करने में या धोने में बहुत आसानी होती है। थर्ड नंबर है, दे डू नॉट गेट रिंकल्स बट ड्राई इजली, ये बहुत आसानी के साथ सूख जाते हैं। नेक्स्ट इसी में डिसएडवांटेज मैं लिखवा रहा हूँ, डिसएडवांटेज फर्स्ट नंबर है, They do not absorb heat. They
डू नॉट एब्जर्व स्वीट। ये पसीना को सोखता नहीं है। सेकेंड नंबर है दे डू नॉट एलो, दे डू नॉट एलो एयर टू पास और then is leave. And third number hai, they are not suitable for heart. Hot and humid weather. तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसके आगे मैं लेसन 5 को नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।